गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने किया के लिए क्या शॉपिंग करी है, कैसे करी है और किन चीज़ों का ध्यान रखा है, सो दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। सो दिस ऑल एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम H&M। और ये ऐसे हुआ कि किया इज ग्रोइंग, तो वन डे किया वॉज प्लेइंग और राहुल ने बोला कि ये इसके ना स्वेटर बहुत छोटा लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, अभी तो आ जाएगा। देन ही सेड कि नहीं 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 आएगा। एक्चुअली वो टाइम मुझे भी रियलाइज़ हो रहा था कि हमें और शॉपिंग करने की ज़रूरत है किया के लिए, लेकिन मैं उस टाइम पे ना मेंटली ये स्क्रीनिंग कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी है, क्या क्या चीज़ें अभी और चल सकती हैं और कैसे लेनी है और क्या लेना है और क्या एक्स्ट्रा लेना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बट ऑन दैट डे राहुल सेड कि नहीं ले क्यों नहीं लेते हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी है, इसके पूरे समर्स के लिए शॉपिंग कर लो, बिकॉज इसके सब ऑलमोस्ट सारे ही छोटे हो चुके थे। बट मुझे लग रहा था कि अगर इतनी ज़्यादा ही शॉपिंग करनी है, हर चीज़ ही लेनी है, तो एटलीस्ट 10% डिस्काउंट का तो वेट करें, बिकॉज दिस इज मतलब कि ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्काउंट लगने देती हूँ, थोड़ी सी सेल लगने देती हूँ। बट दिस पोजेसिव फादर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो तो आई एम गोइंग टू ऑर्डर, फिर मुझे मत बोलना कि ये ऐसे साइज़ का है, वो वैसे साइज़ का है, ये नहीं लेना था, वो नहीं लेना था। तो मैंने कहा ठीक है, आप रहने दो, मैं ऑर्डर करती हूँ। तो इन्होंने बोला कि चलो फिर एक दिन चलते हैं, जाके ले आते हैं, और अगर आपको नहीं कुछ सही लगता तो आप ऑनलाइन देख लेना। सो वी वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वी वेंट टू द मॉल, और हमें मतलब कि मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगा कि नहीं मिल रही हैं, लाइक जो उसके इनरवेयर्स थे वो नहीं मिल रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, वो वहाँ नहीं मिल रही थी। तो फ्यू थिंग्स वी बॉट ऑन दैट डे, और ये सारे ही फ्रेश में हैं, देर इज़ नो डिस्काउंट, बट होपफुली ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम और ड्यूरिंग न्यू ईयर टाइम पक्का से डिस्काउंट लगता है, हर एक पे लगता है, तो इस पर भी लगेगा। बट यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुकी थी तो वी हैड टू डू द शॉपिंग, सो वी डिड। और इसके अंदर सब कुछ है, समर्स के हैं, विंटर्स के हैं, इनर वेयर्स हैं, कुछ फैंसी हैं, कुछ कैजुअल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the T-shirt I bought, और इसका साइज है 5 to 6, और ये मुझे साइज ठीक लगा है। आई विल शो यू वन अनदर टी शर्ट जिसका साइज 5 to 6 है, वो मुझे बहुत छोटा लग रहा है, मतलब कि दिस हैपन्स, तो इसलिए बेटर है कि आप सोच समझ कर छोटा लग रहा है तो बड़ा साइज ले लो। डोंट रियली फॉर एवर गो विद द साइज की जो इफ़ योर चाइल्ड इज 5 to 6 या 6 to 5 वट एवर, या उसी ही साइज का मत लो। अगर आपको लग रहा है छोटा है तो टेक बिगर साइज, तो कीप योर सेल्फ फ्लेक्सीबल इन दिस, कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें राइट साइज ही मिले। सो दिस इज द टी शर्ट, और ये बहुत क्यूट है। आई शोन इट टू किया, और क्या ने बोला मम्मा ये वाली चाहिए, क्यूट है। मैं सर ओके, तो अब मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ उसकी शॉपिंग में, ताकि मुझे उसकी चॉइस पता चले, उसकी प्रेफरेंसेस पता चले, और हम दोनों शी इज़ ग्रोइंग, तो हम दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट हो सके, कम्फर्टेबल हो सके, ताकि वो मुझे कुछ भी बता सके और मैं भी उसे कुछ भी बता सकूँ। सी दिस इज स्मॉल, और ये साइज़ है 5 to 6 इसका साइज है, और ये मुझे बहुत छोटी लगी, बट ठीक है, दिस आई ऑर्डर ऑनलाइन, और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, ये सिर्फ इसी को ही वापस रिटर्न करना तो नहीं राइट होगा, इसको अभी डाल लूँगी, पहना दूँगी और चल जाएगा काम। तो अनदर थिंग इज दिस स्वेटशर्ट, तो बहुत टाइम से राहुल कह रहे थे कुछ टाई एंड डाई मिलो, कुछ मल्टी कलर लो किया के लिए, तो मैंने उसके पापा की ख्वाहिश पूरी करते हुए ये लिया है। एंड दिस इज़ वेरी स्मार्ट, दिस स्वेट शर्ट इज़ वेरी स्मार्ट। तो इसकी मैं बॉटम भी ढूंढना चाहती थी, लेकिन मुझे इसमें साइज़ नहीं मिला, अदरवाइज ये पूरा मैचिंग में बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको मिले तो आप ले सकते हो। दिस इज़ रियली स्मार्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका साइज़ मुझे एक बड़ा ही लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ठीक है, तो आई वॉन्ट इट एट 5 to 6 वाला साइज। अनदर इज दिस थिंग, दिस इज अ नी लेंथ ड्रेस, और इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मिकी मिनी डेजी वाला प्रिंट,
और हॉजरी में है, बहुत कंफर्टेबल है। किया के पास ऐसे बहुत सारे हमने मैचिंग आउटफिट लिए हुए हैं, जिसमें कि अपर बहुत लॉन्ग है और साथ में लेगिंग्स और जैगिंग्स है, ये वो भी H&M से ही हैं। और दोज आर वेरी गुड फॉर द नाइट वेयर और आपके लॉन्च वेयर, अपने आपके बच्चों के लॉन्च वेयर के लिए बहुत अच्छी चॉइस होती है, कि गो फॉर इट। तो मेरे पास उसके साथ वो सारी बहुत सारी लेगिंग्स और जैगिंग्स थी, तो मैंने कहा ये वैसे भी चलेगा विदाउट एनी बॉटम और विद लेगिंग्स और जैगिंग्स के साथ भी चलेगा। दिस इज द अनदर थिंग, सीक्वेंस हार्ट के साथ इन स्वेटर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं इन्हें स्मार्ट कैजुअल्स में काउंट करती हूँ, मैं इन्हें पार्टी शादी वगैरह में डाल के, मतलब विद लेगिंग्स जैगिंग्स और कुछ भी अच्छा सा, या तो कलर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, या ब्लू कलर की डेनिम डाल सकते हैं, स्मार्ट एक्सेसरीज डाल सकते हो, तो अच्छे से शादी पार्टीज में कैरी हो सकता है। तो मेरा ये लेने का वही पर्पज था, नहीं तो स्कूल में भी चल सकता है, क्योंकि अब किया का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फेब्रवरी में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके स्कूल ड्रेसेस ही रहा करेंगे। अभी तक तो किंडर में ये ही क्लोथ चल रहे थे, तो वो चीज़ भी मैंने ध्यान में रखी है कि अब ऐसा बहुत, क्योंकि 5 days इन अ वीक होगा इसका स्कूल, और यहाँ पे स्कूल होते हैं टिल 3:30, तो 4 o'clock तक घर आया करेगी, और हम लोग शायद ही कुछ प्लान आउट करेंगे कि ऐसे किया के स्कूल टाइमिंग्स के साथ कि कुछ और भी हम लोग कर सके, तो ऐसा बहुत कम ही होगा कि हम लोगों की कोई आउटिंग वगैरह होगी, तो मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लिए, बट जितने की ज़रूरत थी उतना तो लेना ही पड़ता। तो दिस इज द अनदर टी शर्ट, इसके पास एक पॉलका डॉट की लेगिंग्स हैं, जिनके साथ ही, जिसके साथ ही बहुत स्मार्ट ली जाएगी, सेम ही है वो बिल्कुल, तो इस वजह से लिया है। ये भी किया को बहुत अच्छा लगा था, किया ने बोला मम्मा प्लीज़ 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 ये रेनडियर वाला मैं पापा की बर्थडे पे डालूंगी, तो राहुल का बर्थडे आता है 25th of December, तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं, क्योंकि देयर इज अनदर क्रिसमस की थीम को लेके स्नोफ्लेक्स वाला मैंने स्वेटर भी लिया है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है तो ये भी ले लेते हैं, अगर उस टाइम पे समर्स हुई, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में होती है समर्स, लेकिन एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग स्वेटर, क्योंकि लास्ट 2-3 days से यहाँ पे ठंड है, समर स्टार्ट हो गई थी, इट वॉज़ वेरी हॉट फॉर 4 to 5 days, फिर उसके बाद वापस से ठंड हो गई है, तो इसलिए इट डिपेंड्स कि उस दिन कैसा वेदर होता है, गर्मी हुई तो ये पहना दूंगी और ठंड हुई तो देयर इज अनदर स्वेटर, ये पहना दूंगी। तो ये भी पूरी क्रिसमस थीम के साथ जा रहा है, उस पर रेनडियर था, इस पर स्नोफ्लेक्स है, तो मैं बस ऐसे ही सोचती रहती हूँ क्या चलेगा क्या चलेगा। और जैसे ये है, ये लेगिंग्स हैं, ये एक साइज बड़ी है, क्यों, क्योंकि ये अभी अगर थोड़ा सा चूड़ीदार की तरह आ जाएगी तो भी ठीक है, और अगर नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी तो भी ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी क्रॉप आएगी तो भी ठीक है, तो ये आराम से 2 से 3 साल ऐसी लेगिंग्स और जैगिंग्स चल सकती हैं। सो अनदर वन इज दिस, ये भी मैंने एक साइज बड़ा ही लिया है, 6 to 7 लिया है, कीपिंग सेम थिंग इन माइंड कि अभी थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, फिर ठीक आ जाएगा, फिर थोड़ा सा क्रॉप आ जाएगा, एंड ये 2-3 साल तक डाल सकती है, तो आई कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अनदर थिंग इज ब्रीफ्स, और व्हाट यू कैन से इज अंडर पैंट्स, ये है, और ये मुझे बहुत ही टाइम से ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि इसके थाइस तक आए, बिल्कुल फिटेड हो, ताकि इसने स्कर्ट्स शॉर्ट्स और फ्रॉक के नीचे कंफर्टेबल हो, बिल्कुल ग्रिप के साथ हो, बिल्कुल स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल थाइस पे बिल्कुल स्ट्रेच होके आती है, नाइस लेंथ है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ये 10 का पैक है, ये पूरे 10 का पैक है, ये चीज़ मुझे स्टोर पे नहीं मिली थी, मुझे ऑनलाइन मिली थी, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ पता नहीं कहाँ होती है, मुझे नहीं मिली, तो ये चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, ऑल दो इट कॉस्ट मी अराउंड $40, लेकिन ये 10 का पैक है, और ये दिस इज़ समथिंग कि जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़, ज़रूरी चीज़ थी, सो आई ऑर्डर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनदर थिंग इज़ ये मुझे बहुत स्मार्ट लगा, मुझे इसकी जो ऊपर की इलास्टिक है ये बहुत अच्छी लगी है, तो आई ऑर्डर दिस, दिस इज 6 in size, वही सेम रीज़न है कि
लेंथ में कुछ नहीं होता है ना, मुझे ऑर्डर कराने की ज़रूरत पड़ती है, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ठीक आ जाएगी। मुझे इसकी वेस्ट पे ये जो स्पार्कली ये आ रही है लाइन, बहुत अच्छी लग रही है। ये घर में भी डाल सकती है, बाहर भी डाल सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बाहर के अलग रखती हूँ, घर के अलग रखती हूँ। तो ऐसा होता है कि बस नाइट सूट्स के डिफरेंट होते हैं, रात को चेंज करते टाइम डिफरेंट डाल लेते हैं, अदरवाइज तो दिन में कुछ भी डालती है, इवन डेनिम्स वगैरह भी हो जाता है इसका। दिस इज़ द अदर थिंग, ये है एक सीक्वेंस्ड फैब्रिक की स्कर्ट। ये अब किया वापस से अच्छा लगने लग गया है उसको, स्कर्ट शॉर्ट्स वगैरह। शी इज़ ग्रोइंग, सो शी इज़ बींग फैशनेबल मोर। तो मैं उसके फैशन सेंस का, उसकी चॉइस का ध्यान रखते हुए जैसे वो बोलती है वैसे ले लेती हूँ। तो कह रही थी मम्मा शॉर्ट्स और स्कर्ट्स लेके आना, ले लेना, तो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, तो ये फ्रंट और बैक दोनों से ही पूरी अच्छी है। तो ये भी स्मार्ट कैजुअल्स में चल सकती है, शादी पार्टीज वगैरह में चल सकती है। Another thing I ordered is these socks. और socks में भी what I do कि एक plus size में order कर लेती हूँ, क्योंकि socks भी बहुत अच्छे से use हो जाती है, क्योंकि summers में shoes और boots के वगैरह के नीचे तो डालते ही हैं irrespective कि कैसा weather है। और winters यहाँ पे 8 to 9 months होती है, अब तो मैं ये बोलूँगी कि 12 months ही होती है, because मैंने अभी तक यहाँ पे अच्छा hot weather experience नहीं किया है। But as Rahul says कि होता है, तो इस वजह से, और इस वजह से मैं टी शर्ट्स भी ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं विंटर्स में कभी भी किया को जो वार्मर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली नहीं पहनाती हूँ, हमेशा फुल स्लीव्स, अगर फुल स्लीव्स का वार्मर है तो फुल स्लीव्स की टी शर्ट के ऊपर ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसको सूट नहीं करता है डायरेक्ट वार्मर पहनाना। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट लेती हूँ, बेशक यहाँ पे समर्स कम है, क्योंकि वो टी शर्ट्स भी यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि उसको नीचे डालने के काम आती हैं। तो दीज आर वन आई गेस 6 to 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं। और ये जो इसके ऊपर का डिज़ाइन है, और उसकी वजह से आई बिलीव H&M पे बहुत अच्छी सॉक्स मिलती है। किया के चाचू ने 2-3 बार गिफ्ट करी है उसको, और बहुत ही अच्छी रही है वो सॉक्स, में देखिए वेरी फैंसी, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल सॉक्स रही हैं। और तो इसलिए मैं भी अब H&M से ही इसकी सॉक्स लेने का सोच रही थी। तो अब की बार मैंने ज़्यादा फैंसी कलरफुल तो नहीं ली है, अदरवाइज पहले ऐसे था कि उस पर मिनी मिक्की वगैरह बने हुए थे, कलरफुल था, लेकिन मैं अब ज़्यादा सोबर और कैजुअल लाइक फॉर्मल्स की तरफ जा रही हूँ। तो क्योंकि डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा कलरफुल भी नहीं पसंद, लेकिन डिसेंटली कलरफुल हो तो अच्छा लगता है, लाइक प्लेजेंट लग रहा हुआ इसको, ज़्यादा ब्राइट कलर्स ना हो। तो सॉक्स भी इस वजह से मैंने थोड़ी न्यूट्रल कलर्स की ली है, जो अच्छी लगे जाए, और जो उसके न्यूट्रल आउटफिट्स हो उन पे अगर नज़र भी आ रही हो बीच में तो और ना लगे। एंड अनदर थिंग इज दिस, इन माई लैंग्वेज इट इज़ रेनकोट। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इसको लिया है, अदरवाइज ये जैकेट है, बट ये एज अ रेनकोट भी चल सकती है। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट। ये एनिमल प्रिंट मेरा फेवरेट है, हु सो एवर नो मी देन वो ज़रूर जानता होगा कि एनिमल प्रिंट मेरा फेवरेट है। तो फिर क्या कि शॉपिंग कर रही हो तो मैं एनिमल प्रिंट क्यों नहीं लूँगी। तो ये बहुत अच्छा है, इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, इसकी हुड भी बहुत अच्छी है, ऐसे इलास्टिक के साथ है, पूरी कवर हो जाएगी तो इसके हेयर वेट नहीं होंगे। समटाइम्स होता है कि ड्रिजलिंग हो रही होती है एंड शी वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड, तो मैं इसको ये डाल सकती हूँ, वो इसके साथ प्ले कर सकती है। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, यहाँ से एक ये डिवाइड हो रहा है इलास्टिक के साथ, अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ वेरी स्मार्ट। सो दिस इज़ इट व्हाट आई ब्रॉट फ्रॉम H&M रिसेंटली। कुछ और चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो डाल चुकी है, लेके जा चुकी है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू सी कि हाँ और क्या क्या शॉपिंग करी है अदर देन दिस, देन आई विल डेफिनेटली लव टू शेयर इट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज़ टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ दे डू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच। Thank you.